इंसान जब अपने इल्म पर भरोसा करने लगता है या अपनी अकल पर भरोसा करने लगता है या अपने ताल्लुकात पर भरोसा करने लगता है या अपनी दौलत पर, माल पर, सेहत पर, तो एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो जाता है। और इंसान जब इंसानों पर भरोसा करने लगता है तो फिर अल्लाह ताला उसे बाज़ोकात इंसानों के सुपुर्द कर देता है, इंसानों के सुपुर्द। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो रब करीम को भूलते हैं और वो अपनी सारी तवज्जो इंसानों की तरफ, दुनिया की तरफ, दुनियादारों की तरफ कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैं उन्हें ये सज़ा देता हूँ कि वो मुझे भूलने निकले थे तो मैंने उन्हें उनका अपना आप भी भुला दिया, अपना आप भी। सूरह हशर को देखिएगा, फरमाया वाला तकूनु कल लजीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने फिर उन्हें उनका अपना आप भी भुला दिया, उन्हें अपनी भी होश नहीं रही। वो ऐसे मसाइल में घिर गए, वो ऐसी आजमाइशों में उलझ गए, वो ऐसी दुनियादारी के अंदर उलझे कि उन्हें अपना भी पता ना चला। अब तो ढूंढता फिरता हूँ इकबाल अपने ही आप को, अब तो ढूंढता फिरता हूँ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। जब इंसान खुदा फरामोश होता है तो खुद फरामोश हो जाता है। हमारा बड़े ज़माने से तकिया है, कभी अमेरिका पर, कभी यूरोप पर, कभी बरतानिया पर, कभी मालदारों पर, कभी असले वालों पर। उसका नुकसान ये हुआ कि अपना कोई वजूद नहीं रहा, अपना कोई नज़रिया नहीं रहा, अपनी को सोच नहीं रही। ऐसे महसूस होता है कि कोई मंशूर नहीं, कोई दस्तूर नहीं, लगाम मुंह में है और उसका सिरा किसी के हाथ में है, वो जिधर चाहता है हमें घुमा लेता है। अल्लाह फरमाते हैं यूँ ना हो जाना कि तुम रब को भुला दो और फिर तुम्हें अपना आप भी भूल जाए। औलाइका हुमुल फासिकून, फरमाया ये वो लोग हैं जो नाफरमान हैं अल्लाह के, ये नाफरमान हैं। जब ये नज़रिया बन गया, जब ये जहन बन गया कि पैदा अल्लाह ने किया है, देना अल्लाह ने है, अता करने वाला अल्लाह है, नवाजने वाला अल्लाह है, तो फिर सारी तवज्जो दुनियादारों की तरफ रखना, मैं अल्लाह वालों की तरफ तवज्जो रखने का कायल हूँ, मैं वो समझता हूँ, हम उस चीज़ के कायल हैं, लेकिन वो भी कोई आस्ताना है कि जहाँ हक मुर्शद का नारा तो बड़ा लगे पर रब का नाम ही ना सुनने को मिले। ये भी कोई बात हुई कि जहाँ ये तो नारा ज़ोर से लगे कि जीवे जीवे मुर्शद जीवे, लेकिन इस्तिगफार का दर्स ही ना मिले। जहाँ हर वक्त ये बताया जाए कि यहाँ आ गए तो बच गए, कैसे बचेंगे? मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा है, हुजूर का दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा है, लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी लोगों को जब रास्ता दिखाया है तो रब करीम का रास्ता दिखाया है, अल्लाह का रास्ता दिखाया, अल्लाह करीम का रास्ता दिखाया लोगों को, रब की तरफ तवज्जो कराई। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों की अल्लाह की जानिब तवज्जो कराई और लोगों से ये कहा कि वो अपने रब करीम की जानिब अपना जहन रखें, अपनी तवज्जो अपने अल्लाह की जानिब मबजूल करें। मेरी बात को अच्छे तरीके से समझिएगा, इल्म अल्लाह तबारक व तआला अता करता है तो इसे अल्लाह की अता ही समझना चाहिए। कुछ लोगों के पास इल्म होता है पर इल्म नाफे नहीं होता, वो टामक टोंजा मारते रहते हैं सारी ज़िंदगी। इल्म को अल्लाह की अता समझें, अपनी अकल पर, अपने शऊर पर ज़्यादा भरोसा ना समझें, नज़र अल्लाह पर रखें। हज़रत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा था बड़ा आलिम कौन होता है। हमारे यहाँ तो अब वो वाले आलिम पाए जाते हैं ना इल्ला माशाल्लाह, जो मिंबर पे बैठते हैं तो दावे ही दावे, मिंबर पे बैठते हैं तो दावे ही दावे, इस तरह के आलिम हमारे यहाँ पाए जाते हैं, वो हर बात में दावा करते हैं, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, ये मिजाज उलमा का नहीं। हज़रत अली अल मुर्तज़ा से किसी ने पूछा बड़ा आलिम कौन होता है, फरमाया बड़ा आलिम वो होता है कि जिसे मसले का पता ना ना हो तो वो कह दे मुझे नहीं पता, मैं पता करके बताऊंगा, गलत बात बयान
نہ کرے. امام مالک سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ فرمانے لگے مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا. ہمارے بزرگ سمجھاتے کیا ہیں. وہ کہنے لگا آپ اتنے بڑے امام ہیں تو اس سوال کا جواب نہیں آتا. آپ فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا. مجھے ہر سوال کا جواب نہیں آتا, مجھے تو اتنا آتا ہے جتنا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے. اپنی نظر اللہ پہ رکھیں, نکل آئیں اس معمے سے باہر کہ میں کوئی بلا ہوں. مجھے بڑا پتہ ہے, میرے پاس 6 ڈگریاں ہیں, مجھے 10 جگہ پہ تدریس کا شغف حاصل ہے. اس سے نکلیں باہر. قرآن مجید دیکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے ارادہ قدرت فرمایا کہ میں حضرت آدم کو بناؤں گا, پھر بنانے کے بعد فرمایا فرشتوں سجدہ کرو آدم کو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, اس نے انکار بھی کیا تکبر بھی کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا تو کیسے کرایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا حضرت آدم کو علم سکھایا خود. وعلم آدم الاسماء کلہا, خود اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے, سب اشیاء کے نام سکھائے. تو وہ چیزیں پھر میں نے نا اللہ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں پہ پیش کی, میں نے کہا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہیں. تو فرشتوں نے جو جواب دیا وہ سمجھنے والا ہے. اللہ نے چونکہ خود علم سکھایا تھا حضرت آدم کو, جناب آدم سکھایا تھا لیکن فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں اب یہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کالو سبحانک لا علم لنا. آپ کبھی یقین کریں اس چیز کی لذت لیں تو مزہ آ جائے. کہا کالو سبحانک, کہنے لگے تو پاک ہے. کالو سبحانک, کہنے لگے تو بھائی آدم علیہ السلام کو نام سکھا لیے, پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کر کے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کالو سبحانک, تو پاک ہے. لا علم لنا, ہمارے پاس کوئی علم نہیں. الا ما علمتنا, ہمیں تو اتنا پتہ جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے. ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں, لا علم لنا, ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے, اس سے زیادہ ہمارے پاس علم. اور یہ کیوں تو نے ہمیں جتنا سکھایا اتنا پتہ ہے؟ فرشتے یہ نہیں کہتے یا اللہ تو زیادہ سکھا, آدم کو دیا تو ہمیں بھی دے. یہ نہیں فرمایا, فرمایا انکا انت العلیم الحکیم. اے اللہ تو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے, تجھے پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے. جتنا تو نے مناسب سمجھا جناب آدم کو دیا, اور جتنا تو نے بہتر سمجھا وہ تو نے ہمیں عطا فرمایا. تو اگر آپ کے پاس علم ہے, کہیں نالج ہے, تو اس کو اللہ کی عطا سمجھیں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر وہ دعوے کرتے ہیں میرے علاقے والے جاہل ہیں, میرے شہر والے جاہل ہیں, میرے خاندان والے پڑھے نہیں. یہ آپ کا دعویٰ ہے, یہ آپ کو خراب کر دے گا. ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بہت بڑے عالم تھے لیکن اللہ جب لینے پہ آیا تو عقل ہی لے گیا, شعور ہی چلا گیا, حافظے ختم ہو گئے. آپ دیکھتے ہیں بڑھاپے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرا نام کیا ہے, میں کہاں ہوں, مجھے کدھر جانا ہے. تو اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اپنی نظر اپنے رب کریم کی جانب رکھیں, اللہ کی جانب اپنی نظر کو مبذول رکھیں. دوسری بات, علم کے بعد ایک چیز آتی ہے جس کا نام ہے ہدایت, جس کا نام ہے تقویٰ, جس کا نام ہے پرہیزگاری, جس کا نام ہے عمل, عبادت, ریاضت. یہ بھی اسی وقت ہی نصیب ہوتی ہے جب میرا رب کریم نصیب فرما دیتا ہے. ہم نے نا نیکی کا اپنا اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے, اپنا اپنا معیار بنا لیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مسجد میں سیمنٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو. اب اس نے اپنا مزاج بنا لیا نا نیکی کا, اس نے اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تھے تو حضور نے سب سے پہلے غریبوں میں آٹا تقسیم کیا تھا کہ سب سے پہلے مسجد بنائی تھی؟ کیا عجیب لوگوں کا رنگ ہے. اپنی مرضی کی ہدایت, اپنی مرضی کا تقویٰ, اپنی مرضی کا معیار. مسجد کوئی بڑا چھوٹا خطیب بھی میری طرح کا ہو نا تو وہ مسجد میں بیٹھ کے جب نبی پاک کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رسول پاک غریبوں کا سہارا بن کے آئے. وہ غریبوں کی بات کرتا ہے, مسکینوں کی, لاچاروں کی, کمزوروں کی بات.
तो मस्जिद ही तो वो इदारा है जहाँ से गरीबों की बात हो रही। तो अब लोगों ने गरीब को और मस्जिद को लड़ाना शुरू कर दिया, इसको लड़ाओ कि मस्जिद में पैसे देने से बेहतर है आप गरीब को आटे का थैला दे दें। आप ये क्यों नहीं कहते कि मस्जिद में भी आप थोड़ा दें एक सी मटका और साथ गरीब को भी खिदमत करें? ये क्यों नहीं तकवा? अपनी अपनी मर्जी का मिजाज, अपनी अपनी। कुछ लोग कहते हैं छोड़ो जी, सारी ज़िंदगी इंसान नमाज पढ़ता रहे और फिर गालियाँ भी देता रहे, बंदा दाढ़ी भी रख ले और झूठ बोलना भी ना छोड़े। तो ये आपने अपने पास से तकवे का मियार बनाया। गाली देने का गुनाह है और दाढ़ी रखने का सवाब है। तो अगर आप दाढ़ी रखे हुए हैं और आप कोई गलती कर रहे हैं तो उससे आपकी दाढ़ी का सवाब ख़त्म। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। आप कोई गलती कर रहे हैं, दाढ़ी का सवाब उससे ख़त्म, वो अपनी जगह पे कायम है चीज़। अपनी मर्जी का क्यों तकवे का मियार बनाते हैं? तकवे का मिजाज अपनी मर्जी का ना बनाओ। अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह हमें हिदायत का नूर अता फरमा। अल्लाह तू हमें रास्ता दिखा, तू बता कि हिदायत क्या है। तो रब फरमाता है अल्लाहु वलीयुल लजीना आमनु, अल्लाह मोमिनों का मददगार है। युखरिजुहुम मिनज जुलुमात इलन नूर, वो इन्हें अंधेरों से निकालता है और नूर की तरफ रोशनी आता फरमाता है। अंधेरों से नूर की तरफ अल्लाह लाता है। अल्लाह वली, अल्लाह मोमिनों का वली है, वो इन्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है। हिदायत हमेशा अल्लाह की तरफ से समझे। जब वो नमाज की तौफीक देता है तो अपने फजल से देता है, जब वो जिक्र की तौफीक देता है तो अपने फजल से। हम समझते हैं ओ हो जी फलाना नहीं पढ़ रहा बड़ा बेवकूफ है, फलाना नहीं पढ़ रहा, तो तू क्या अपनी अकल के जोर पे पढ़ रहा है? मैं जी अल्लाह के फजल से दो सपारे पढ़ता हूं, तो किस पे एहसान करते तू? तू दो सपारे पढ़ के रोया कर। कहा अगर मालिक तू बड़ा करीब नहीं, बड़े लोग हैं जिनको पूरा कुरान हिफ्ज़ है पर उन्हें पढ़ने की तौफीक नहीं, तूने फजल किया और मुझे तौफीक दे दी है पढ़ने की। रोया कर, पढ़ के रोया कर, राती सारी कर कर जारी, ओ नींद अखां थी धोंदे ते फजरे ओ ही गुनागार कहावन सब तो नीवे होंदे। मेहरबानी करें, डरें, नेकी करें तो फिर डरें, फिर एहसास पैदा करें, फिर अपने अंदर वो कमजोरी लाएं। कहें तौबा तौबा, मुझे तो पता ही नहीं, तो जानता ही नहीं। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ एक शख्स कहता मैंने नमाज पढ़ी, तो इशा की नमाज थी। ये जो लोग बड़े होते हैं ना, इनके प्यार करने वाले बड़े होते हैं, उनके गिर्द खौफ भी बड़ा ही होता है, उन्हें बड़ा डर लगता है, बड़ी बाज़ुकात आजमाइश होती है उनकी। इशा की नमाज कहते पढ़ी तो इमाम साहब ने ना इशा की नमाज में तिलावत की आयतें, फमैया अमल मिसकाल अज़र रतिन खई रही यारा, फमैया अमल मिसकाल अज़र रतिन शर रही यारा। फरमाया जो ज़र्रा बराबर खैर करेगा वो भी क़यामत में देखेगा, और जो ज़र्रा बराबर शर करेगा वो भी क़यामत में उस शर को देखेगा, उसके सामने आएगा। तो वो शख्स कहता है कि सारे लोग नमाज पढ़ के चले गए तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ना अपनी दाढ़ी पकड़ी रो रहे हैं। कहते हैं वो ज़र्रा बराबर नेकी का बदला देने वाले, वो ज़र्रा बराबर शर पे सज़ा देने वाले, मेरी सफ़ेद दाढ़ी को देख। मालिक मेरे ज़र्रे ज़र्रे सामने ना लाना, लोग तो मेरी बड़ी कदर करते हैं दुनिया, मैं तो बड़ा पहचाना जाता हूँ, लोग तो मेरी राहों में फूल लिए खड़े होते हैं, ये बड़ा नवाजते हैं, क़यामत में रुसवा ना कर देना, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो कहते हैं मैंने इमाम साहब का दर्द देखा, मुझे कोई काम था तो मैं चला गया, मैंने कहा कि वो इस वक्त अल्लाह के हुजूर हाजिर हैं तो मैं दोबारा आऊँगा। कहते मैं तहज्जुद का वक्त आया तो इमाम साहब वहीं बैठे थे और उनकी दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी और ज़ोर से दाढ़ी पकड़ी हुई, कहने लगे मालिक रुसवा ना कर दे, क़यामत में रुसवा ना कर दे। यार जो हिदायत याफ्ता लोग थे वो तो डरे हुए थे, वो तो सहमे हुए थे, वो तो कहते थे ये उसका फजल नहीं उसने बुला लिया, ये उसका करम नहीं। हज़रत बायजीद बुस्तामी किसी काफिर को देखते तो रो पड़ते, कहते मालिक तू कितना करीब है, ये बेईमान रह गया, तूने अपने फजल से मुझे अपने नबी का गुलाम बना लिया। वो रो पड़ते। यहाँ तो लोगों का दावा ही बड़ा है, नमाजी अल्लाह खैर फरमाए वो तो दूसरों को घूरता है, वो कहता है जन्नत का मैं मालिक हूँ, कुंजियाँ मेरे पास हैं, मैं किसी और को घुसने नहीं दूंगा, और अगर दो तीन हज कर ले तो फिर तो वो कहता है कि अब मेरे से पूछ के लोग जन्नत में जाएंगे माशाल्लाह, और अगर वो दो चार पाँच सात दफ़ा कोई नफल पढ़ ले तो फिर वो कहता है छोड़ें जी सारे लोग बेअमल हैं मैं अकेला नहीं हूँ। ना ऐसा करें, अपनी तवज्जो अपने रब पे रखें,
अपनी तवज्जो अपने मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हजरत ख्वाजा अजमेर शाह अजमेर शाह अजमेर वाली हिंदुस्तान। आखिरी उम्र में ना सारा दिन रोते गुजर जाता, सारी रात रोते गुजर जाते, ज़रा सी कोई बात करता तो रो पड़ते, आंखें आंसुओं से भरी रहती। कई दफ़ा अपने भी परेशान हो जाते हैं ना कि यार तो एक बात की जान ही नहीं छोड़ रहा। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब बख्तियार काकी से लोगों ने कहा कि आप मुर्शद से बात करें, इतना भी तो नहीं ना रोना चाहिए, हर वक्त इसके आंसू की करिए, आशक दा काम ही रोना तोड़ा, तभी ना रोयो नहीं मंजूरी, ये आशक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावें वसल होवे तो भावें दूरी, हर वक्त रोने का क्या मतलब है। तो ख्वाजा कुतुब साहब कहते मैं करीब गया तो मैंने पैर दबाए, मैंने कहा सोनिया लोग तो कुछ भी नहीं करते, तूने तो कमाल कर दिया, 90 लाख आदमी मुसलमान कर दिया, दुनिया कुछ नहीं करती, तूने 50 साल सारी रात मसल्ले पे बैठ के रब राजी किया, तू शहजादा था हुजूर की औलाद था, लेकिन मोइनुद्दीन तेरा एक प्लाट भी नहीं, तूने तूने तालिब इल्म पाले, उन्हें गरीबों को दिया, तूने नवाजा, कोई शह नहीं तेरे पास, हर चीज़ तूने, सारी रात रोते हो, सारा दिन रोते हो। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब कहते हैं मैंने जब अर्ज़ किया तो ख्वाजा साहब मुझे गले लगा लिया, चीख मार के रोए, कहने लगे कुतुबुद्दीन पुत्र दाढ़ी सफ़ेद हो गई, जाने का वक्त आ गया, जो तूने नेकियां गिनवाई हैं वो हैं सही मेरे पास, पर यार की बारगाह में पेश करने के काबिल एक भी नहीं, एक भी नहीं, तो बारगाह तो देख कितनी बड़ी है, रसूल करीम की बारगाह में पेश करने के काबिल इनमें से एक भी नहीं, तो आस्ताना देख कितना बड़ा है, क्या पेश करूँगा, क्या अर्ज़ करूँगा हुजूर की बारगाह में, किस तरह। वो यार जो बड़े थे वो तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो तो बड़ी आजमाइश में थे, लेकिन मेरा और आपका रट्टा दो नमाजें पढ़ के 6 नमाजों का दावा करना और लंबी चौड़ी कहानियाँ बनाना और अपने मुँह से अपनी तारीफ़ें करना, इससे थोड़ा बाहर आए। रिस्क भी मेरा अल्लाह ही देता है, इल्म भी अल्लाह देता है, रिस्क भी। बड़े बड़े फकीरों को मालदार होते देखा, बड़े बड़े मालदारों को फकीर होते देखा, बड़े बड़े, मेरे एक बड़ा सखी किस्म का सज्जन है, बड़ा बड़ा प्यारा है, मैं उसे सखी मानता हूँ, मैंने अपनी परेशानियों के दिनों में भी उस शख्स को सखी देखा। एक दिन रात को मुझे टेलीफोन करके कहने लगा किधर हो, मैंने कहा मैं घर हूँ, नहीं अक्सर सफ़र में होते हो ना, वो मैंने कहा नहीं, तबीयत कैसी है, ठीक है, बस हाल चाल पूछना था। मैंने समझाई, मैंने कहा यार ये कोई मसला है, वरना रात के 2 बजे कोई हाल पूछने को फ़ोन तो नहीं ना करता, कोई मतलब ऐसा तो मसला नहीं ना। तो मैंने बैक कॉल की, मैंने कहा यार मेरी बात सुन, मसला क्या, कहने कुछ नहीं कुछ नहीं, दिल कर रहा था। मैं कहा मेरी गल सुन, रहे हैं असी 4-5 साल इकट्ठे, मैं तेन जानना, असल बात कर। कहने लगा मकान भी बड़ा है, सारा कुछ ठीक है, पर वो बड़ा ही बेनियाज है, कुछ हालात इस किस्म के आ गए हैं कि लोगों को बताऊं भी तो लोग मानने को तैयार नहीं, ज़्यादा नहीं, मुझे ना थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, को 15-20 हज़ार अगर मिल जाएं, मेरी ज़रूरत, आप यकीन करें मैं रोता रहा सारी रात। मैंने कहा मेहरबाना तेरा किस तरह कराँगे, इससे ले कर ज़माना इस्तेमाल करता था, पर बेपरवाही वेख ना सज्जण दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगतियां तख्त बिठावे, सजना किसे नू कारा मिल दई, कोई काबे ओ खाली आवे, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। वक़्त तू दाएं बाएं ना जा, रिस्क तो तुझे मैं दूंगा, मैं हूँ बेहतर रिस्क देने वाला। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहनशाह, बड़े बड़े लोग हाथों में कासे, फकीरियाँ, उम्मे रबिया कहा करती थी, बड़ी नेक और साले खातून थी, वो कहती हैं कि मैं ना बड़े अमीर आदमी की बीवी थी, अपने शौहर के साथ छत पे बैठी थी, तो नीचे फ़कीर मांगने वाला आया, उसने बड़े दर्द से सदा की, तो मैंने अपने शौहर से कहा कुछ दे दे, कहा दफा कर, इन लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। कहती मैं मेके से भी बड़ा माल लेके आई थी, मेरे माँ बाप बड़े अमीर थे, तो मैंने ना चोरी अपने खामा से नज़र बचा के बाथरूम जाने के बहाने गई, और नीचे जाके 5 दिनार मैंने उस फ़कीर की हथेली पर रखे। कहते उसने 5 दिनार देखे, फिर मेरी तरफ़ देखा, तो मैंने उसकी आंखों में आंसू चमकते देखे,
कहने लगे, बीबी रब तेरा भला करे, मैं 3 दिनों का भूखा हूँ। कि वो चला गया, मैं घर आ गई। जब बाहर आई तो मेरा शौहर कहने लगा, तू इतनी अब इतनी तू तेज़ हो गई है और तू इतनी खुद मुख्तार हो गई है, ममेरे बगैर पूछे माल खर्च करेगी, जा तुझे 3 तलाकें। कहती मैं बालदार और वजादार बाप की बेटी थी, तलाक लेके घर आई तो मेरा बाप टूट गया, चारपाई पे चला गया। ओहो ये क्या बन गया। कहती बड़ी तकलीफ़ रही। 1-2 साल के बाद मेरे अब्बा ने मेरी शादी कर दी। अब जिस शौहर के पास गई वो बड़ा नेक था, परहेजगार था, अल्लाह ने बेहतरीन सिला दिया। कहती छत पे बैठी थी, दरवाजे पे फ़कीर आया तो मैंने शौहर से कहा कुछ दे दूँ। कहने लगा 5 ना देना, 15 देना, 20 देना। मैं फ़कीर हूँ, मैंने फ़क्र से दौलत देखी है, इसे खाली ना लौटाना। कहती है कि मैं नीचे गई और जब मैंने उसकी तरफ दिनार बढ़ाए तो मेरी चीख निकली, पैसे फेंके, मैं बेहोश होके गिरी। मेरा शौहर ने आके उठाया, अंदर ले गया, पानी मुंह पे छिड़का। कहने लगा तुझे क्या हुआ। कहने लगी ये जो मांगने आया ये मेरा पहला शौहर था, वही था जो कहता था कि तू 5 दिनार दे आई है, जा तुझे 3 तलाकें। पढ़ो ना हदीस पाक, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा गंजा था, गंजा, कोई तरतीब आगे पीछे हो जाए तो मफहूम के लिहाज से, लेकिन मैं मफहूम उसका वाजे करता हूँ। एक गंजा था, कोई शय नहीं थी, सर पे बाल भी नहीं थे, रोया करता था। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा, तुझे क्या चाहिए। तो कहने लगा बाल आ जाए और थोड़ा माल आ जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा तो बाल भी आ गए, तो बकरियाँ भी आ गईं, लाइनें लग गईं, माल ही माल हो गए। दूसरे के पास गया, वो कोड़ा था, उसको जाके कहा क्या चाहिए। कहने लगा शिफा हो जाए और कुछ अल्लाह ताला आसानी कर दे। शिफा भी हो गई, गायें भी दे दी, भैंसें भी दे दी, माल ही माल हो। फिर एक के पास गया, वो अंधा था, तुझे क्या चाहिए। उसने कहा आँखें मिल जाए और कुछ साथ अल्लाह माल दे दे। ऊँट ही ऊँट हो गए। जब बड़ा नवाज दिया तो फिर मालिक ने इम्तिहान लेने का इरादा किया। यारी तेरी सोना है पर आजमाइशा भी तेरियाँ, अग आजमाइशा तेरियाँ, सही कह रहा हूँ, आजमाइशा तेरियाँ, यारी तेरी सोना है पर आजमाइशा तेरियाँ, ये सोना परख्या जावंदा ही पहलो ना लगा दे लग। अल्लाह ने फरमाया आजमाइश करो। सबसे पहले गंजे के पास आए, उसे कहा अल्लाह के रस्ते में कुछ देखा नहीं लगा, मेरे खर्चे ही बढ़े, देखो तो सही कितनी मुश्किल में वक्त गुजारता हूँ, हाल ही कोई नहीं। तो उसने कहा मैंने तो सुना है तू गंजा और भूखा नंगा था। कहने लगा मैं तो जद्दी पुछती रही से आजम हूँ, तुझे किस पागल ने कहा है, भाग जा। उसने कहा अच्छा जैसे तू था वैसे ही हो जाए। खेत खलिहान उजड़ गए, फिर से गंजा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फिर वो उसके पास गया जो कोड़ा था, उसे कहा कुछ दे। कहने लगा खर्चे ही बड़े, अब पूछ लें किसी अमीर आदमी से, कहेगा चक्की के नीचे हाथ है मेरा, मेरे से ज़्यादा तो परेशान बंदा ही कोई नहीं, क्या बताऊँ आपको, इतना टैक्स है, इतना जुर्माना है, फलानी शेफ, बड़ा कुछ गिनवाते हैं लोग। उसने कहा मैंने तो सुना तो पहले कोड़ा था। उसने कहा जा दौड़ जा, मैं तो रईस आजम हूँ, दादा भी परदादा भी और सारी नस्ल ही। उसने कहा अच्छा जैसे तू था वैसे ही हो जाए। फिर वो गया अंधे के पास और जाके कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे। तो कहने लगा रब के नाम पे, ये खड़े हैं ऊँट, जितने तेरे दिल करे ले जा। उसने कहा क्या माना इस बात का। कहने लगा यार तुझे क्या बताऊँ, मैं तो अंधा था, मैंने तो कभी दुनिया देखी नहीं थी, फिर उस करीम ने फजल किया तो मुझे बड़ा कुछ दिखाया, मैं क्या बताऊँ, मेरा दिल कर रहा है कह दूँ कि फिर उसने काबा दिखाया, फिर उसने रोज़ा रसूल दिखाया, फिर उसने रियाजुल जन्ना के सजदे दिखाए, फिर उसने अपने महबूब के दरवाजे की रौनकें दिखाई। उसने बड़ा कुछ दिया, उसने बड़ा नवाजा, मेरे पास तो शायद मैं बदकार पुराना खादम, किसे दर मिली न टोई, ये तो वासफ यार ने नज़र जो की थी फिर वासफ वासफ ही होई, ये तो उसका करम हुआ। तो ये वो कहने लगा तू अल्लाह के नाम पे जान मांग, मैं वो भी देने को तैयार, मेरे पर तो शय ही कोई नहीं थी, मुझे तो अपना पता है, मैं तो कोई शय नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास, ये तो उनका करम है कि रोख इनका उधर है। और मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। तो वो कहने लगा मैं भी कुछ लेने नहीं आया था, तेरी आजमाइश ही करने आया था, तेरी इज्जतें भी सलामत रहेंगी, तेरा माल भी सलामत रहेगा, तेरी शिफा भी। अपनी ज़िंदगी में कभी भी
अल्लाह की बारगाह से तवज्जो इधर उधर ना करें, छोड़ें लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कह रही, कभी भी अपनी तवज्जो दाएं। हमारा ये मसला बन गया कि हमारी सियासत है, हमारी दुनियादारी है, हम बंदों को राज़ी करना चाहते हैं, हम देखते हैं कौन किस तरह। और आप यकीन करें आप थक जाएंगे, बंदे राज़ी नहीं होंगे, वो नहीं राज़ी होते। आप इनको मना के लाएंगे तो इधर वाले निकल जाएंगे, इधर को मनाएंगे तो इधर वाले निकल जाएंगे। इस चक्कर से बाहर आएँ, उस रब को राज़ी करें जो फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहाती सयजअलुल्लाहुर्रहमान वुद्दा। फरमाया तो ईमान लाने के बाद नेक अमल कर, मैं लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत पैदा कर दूँ, रहमान लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा, अल्लाह लोगों के दिलों में। अपनी नज़र हमेशा अपने रब पे रखें। इतनी लंबी चौड़ी दुनियादारों से उम्मीदें ना वाबस्ता करें। मैंने देखा है लोग कासा लेसी करते हैं, कभी उसके दरवाज़े पे, कभी उसके दरवाज़े पे। इन चक्रों से बाहर आएँ और अपने रब की बारगाह की तरफ तवज्जो करें। इस्तिग़फ़ार शौक़ से पढ़ा करें, और अकेले में ना, अकेले में। हज़रत रईसुल मुतकल्लमीन मौलाना नकी अली ख़ान साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि फिरौन 500 साल हुकूमत कर गया, या तो 5 साल की हुकूमत की पैर लड़खड़ाते हैं, 500 साल। फरमाते असल वजह यह थी कि दुनिया जब सो जाती थी ना तो ऊपर चादर लेके तो मुसल्ले पे बैठ जाता था और हाथ बांध के कहता था रब तू ही है मेरा पर्दा ना खोलना, मालिक तू ही है करम नवाजी करना, मेरी पकड़ ना करना। वो बेईमान हो के अगर 500 साल हाथ बांधे तो गुजारा कर लेता है, तू तो ईमानदार है। पर मसला ये है कि तू रात को बुक्कल मार के हाथ नहीं ना बांधता, तो मिन्नत नहीं करता, तो इस्तिगफार नहीं करता। तौबा करें तो बचे रहें। वो इतनी लंबी हुकूमत कर गया, चूँकि रात को कहता था मालिक रब तू ही है, लेकिन मेहरबानी फरमा, मेरी पकड़ ना फरमा, तो अल्लाह ने तो उसको मोहलत दे दी।